नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सूर्य है, आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द वाई फिल्म का। हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई ये फिल्म 6 जनवरी 2023 को। ये मुझे कैसी लगी इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख ली ये फिल्म द वाई और इस फिल्म का रिव्यू डिटेल्ड में मैं देने वाला हूं। सबसे पहली बात, 6 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज़ हुई है, साल के पहले ही हफ्ते में, और ये फिल्म बहुत बढ़िया तरह से बनाई गई है। 1 घंटा 50 मिनट की ये फिल्म है और इस फिल्म को आज मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हॉरर फिल्में जो आजकल बहुत अच्छी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, ये फिल्म लीक से एकदम अलग है। ये हॉरर फिल्म है और बहुत अच्छी तरह से इसमें हॉरर एलिमेंट को दर्शाया गया है। तो कहानी कुछ यूँ है कि हमारे जो हीरो है युवन हरिहरन और हीरोइन है लियोनीला डिसोजा, बचपन से ही ये लोग साथ में बड़े होते हैं कहीं ना कहीं, और एक दूसरे से इनको हल्का फुल्का प्यार रहता है। उसके बाद आगे जाके ये शादी भी कर लेते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि जो हीरोइन है यानी कि हमारी लियोनीला डिसोजा, उनका नाम है फिल्म में दीक्षा, तो दीक्षा की ग्रैंड मदर कुछ शायद प्रॉपर्टी छोड़ के चली गई रहती है वसीयत में, और उस पुरानी प्रॉपर्टी पे जाती है दीक्षा अपने हस्बैंड को लेकर यानी कि युवन को, हमारी हीरो युवन हरिहरन। जब वो जाती है उस घर में, पुराने पैलेटियल घर में, तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे डर लगने लगता है लियोनीला को, यानी कि हमारी हीरोइन जो है दीक्षा को। सुपरनेचुरल कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा नज़र में आता है। घड़ी एक जो पुरानी है वो जब भी रात के 11:05 होते हैं कुछ अलग होने लगता है घर में, और सबसे ज़्यादा डर लगता है दीक्षा को। तो दीक्षा बहुत परेशान होती काफ़ी दिन तक, और जो उनके पति है यानी कि युवन, उनको वो बताती है ये सब चीज़ हो रहा है मेरे साथ ऐसा, वो मानते नहीं है। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि क्या इस घर में एक भूत है या उस घड़ी का कुछ ट्विस्ट जुड़ा हुआ है दीक्षा की ज़िंदगी से, क्योंकि दीक्षा म्यूट गर्ल है यानी कि बोल नहीं पाती है, वो अपनी प्रॉब्लम जाहिर नहीं कर पाती है, और या बहुत सारी चीज़ें वो है ना नहीं एक्सप्लेन कर पाती है अपने पति को, और शायद यही एक रीज़न होता है कि उसका पति युवन समझ नहीं पाता है। तो क्या ये कपल जो काफ़ी खुश शायद थे इस घर में आने से पहले, उनकी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल होती है, ये इस फिल्म की कहानी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो लियोनीला डिसोजा और युवन हरिहरन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बीइंग न्यू कमर्स उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया अपना। और हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है पब्लिक को काफ़ी कन्विंसिंग लगेगा और उन्हें भी फिल्म पसंद आएगी। और जहाँ तक मैंने बात की थी स्टार्ट में हॉरर फिल्मों की बात करें, तो हॉरर फिल्में जैसे बन रही है ना, मुझे बहुत ही कम फिल्म पसंद आती है। ये एक फिल्म है जिससे मैं कहूँगा कि हाँ, हॉरर फिल्में हो तो ऐसी हो। अब मैं डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, गिरी देवराज के बारे में। ये इनकी सेकेंड फिल्म है और उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है। स्टोरी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से बुनी गई है और राइटर भी ये खुद ही है गिरी देवराज, तो राइटिंग डायरेक्शन ये दोनों ही चीज़ें उन्होंने की है, और काफ़ी बढ़िया तरह से इन्होंने फिल्म को पिरोया है। फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, और फिल्म की अच्छी बात ये भी है कि फिल्म का एंड बहुत ही ख़तरनाक है, क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है, और इसका एक ट्विस्ट है जो आपको फिल्म देखने के एंड में ही पता चलेगा और जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो कुल मिला के आई थिंक गिरी देवराज जो डायरेक्टर है उनका फ्यूचर ब्राइट है, और मुझे लगता है उन्हें आगे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अब बात करते हैं फिल्म के बाकी पहलुओं के बारे में। इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, विजुअली काफ़ी अच्छी शूट किया गया है, हर एक सीन इस फिल्म में ऐसा दिया गया जिसको ऐसा देख के लगे कि हाँ, हर एक का मीनिंग है। और मुझे जो पर्टिकुलरली जो पसंद आया, लॉन्ग शॉट्स पसंद आ रहे थे फिल्म में जो स्टार्टिंग में फिल्म में दिखाए गए हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें फिल्म में काफ़ी ट्विस्ट है जो आप जितना देखोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जो बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बाकी स्टार कास्ट है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। कमल कुमार घिमरे का एक अच्छा खासा रोल है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा, एक बेहतरीन फिल्म है, आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। जो आके इस फिल्म को एक बार देखिए और आपको कैसी लगी ये बताइएगा। और ये फैमिली फिल्म है ये भी मैं आपको बता दूं, और डायरेक्टर कुछ अलग कुछ नया करना चाहते हैं। वैसे भी आजकल जिस तरह से फिल्में बन रही हैं ना,
और वो बिल्कुल नहीं चल रही। उस हिसाब से एक अच्छी फिल्म, एक अच्छे इनिशिएटिव, एक अच्छे बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पेश की गई है दर्शकों के लिए। तो द वाइफ फिल्म मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, मैं झूठ नहीं कहूँगा। और मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग मैं 110% दूंगा। BGM अच्छा है, इसका कलर टोन काफ़ी अच्छा है, इसका विजुअली जिसे हमने कहा काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा लो है और वही एक रीज़न है, लो बजट फिल्म है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोडक्शन वैल्यू और अच्छा होता तो और बेहतर फिल्म निकल के सामने आ सकती है। कुछ माइनर फ्लॉज है फिल्म में, लेकिन उसके अलावा फिल्म में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खामियाँ नज़र नहीं आई है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ यू वॉन्टिंग टू वॉच समथिंग गुड दिस वीक, गो फॉर द वाई फिल्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय।